आदेशी के आरोपों पर सुबह सुबह मीडिया के सामने आए गंभीर आरोपों को क्या खारिज, कहा सच्ची नीयत से राजनीति में आया। मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जिसने भी बटवाए कि बिल्कुल गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन जो आरोप मेरे ऊपर आम आदमी पार्टी ने लगाए उनको इसका जवाब जरूर देना पड़ेगा। गौतम गंभीर ने सीएम केजरीवाल पर बोला हमला, कहा उन्हें सीएम कहने में आती है शर्म। गौतम गंभीर ने केजरीवाल से सौदे और आतिशी को भेजा मानहानि का नोटिस, आरोपों पर आप नेताओं से मांगा जवाब। आप प्रत्याशी आतिशी ने गंभीर पर आपत्तिजनक पर्चे बंटवाने का लगाया है आरोप, मीडिया के सामने रो पड़ी आतिशी। आज शाम 5 बजे थम जाएगा छठे चरण का प्रचार, 7 राज्यों की 59 सीटों पर 12 मई को मतदान। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और बंगाल में 12 मई को डाले जाएंगे वोट, दिल्ली और भोपाल पर रहेगी सबकी नजर। आज हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में प्रचार करेंगे पीएम मोदी, रैलियों को करेंगे संबोधित। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की 2 रैलियां, चंडीगढ़ और हिमाचल के ऊना का करेंगे दौरा। प्रचार के आखिरी घंटों में दिल्ली में दम दिखाएगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, उत्तर पूर्वी दिल्ली में आज रैली को करेंगे संबोधित। आखिरी 2 दौर के चुनाव से पहले राहुल का माइंड गेम, ट्वीट कर कहा अपने बयानों और इंटरव्यू से दबाव में टूटते दिख रहे हैं मोदी, नतीजों को लेकर हैं नर्वस। दिल्ली की रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, रफेल, जीएसटी, नोटबंदी समेत कई मुद्दों पर घेरा। समाजवादी पार्टी के गढ़ में पीएम मोदी की रैली, कहा अब आतंकियों के साथ नहीं जुड़ता आजमगढ़ का नाम। आजमगढ़ में पीएम मोदी ने किया गठबंधन पर हमला, कहा जाति पाति के नाम पर मांगे जा रहे वोट। प्रयागराज में पीएम मोदी की रैली में युवक ने दिखाया काला झंडा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा। प्रतापगढ़ की रैली में प्रियंका का दिखा अलग अंदाज, शायराना अंदाज में पीएम मोदी पर दागे सवाल। प्रयागराज में सीएम योगी की रैली, फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का किया दावा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी के सिद्धार्थनगर में रैली को किया संबोधित, पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा मोदी राज में ही सुरक्षित महसूस कर सकता है देश। मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के बिगड़े बोल, पीएम के लिए किया अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल। जो किसानों को बर्बाद कर रहा हो, नौजवानों को रोजगार न दे रहा हो, तो 100% नरेंद्र मोदी। अयोध्या के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मध्यस्थता प्रक्रिया के बाद पहली बार सुनवाई करेगी कोर्ट। चौकीदार चोर वाले नारे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बयान पर कोर्ट से माफी मांग चुके हैं राहुल गांधी। रफेल के फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई। धनबाद में कीर्ति आजाद के लिए वोट मांगने पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा, पीएम मोदी को कहा अच्छे प्रचार मंत्री। राजगढ़ की रैली में पीएम मोदी पर छत्तीसगढ़ के सीएम के बिगड़े बोल, मंच से कहा बहरूपिया। आज तक के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की खास बातचीत, कहा 2014 में एनडीए ने लड़ा चुनाव, 2019 में लड़ रही है जनता। पीएम मोदी ने उठाया 84 दंगों का मुद्दा, कहा आज भी इंसाफ के लिए तरस रहे पीड़ित। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की आज सबसे खास बातचीत, पीएम मोदी पर किया जोरदार पलटवार। ममता बनर्जी ने की बीजेपी के हार की भविष्यवाणी, कहा क्षेत्रीय दल बनाएंगे सरकार, नतीजों के बाद होगा पीएम पद पर फैसला। बंगाल में जय श्री राम पर फिर घमासान, 924 परगना में नारा लगाने पर बीजेपी कार्यकर्ता की टीएमसी वर्कर्स ने की पिटाई। केजरीवाल को थप्पड़ मारने के आरोपी सुरेश की आज तक से बातचीत, किसी भी साजिश से किया इनकार। पश्चिम दिल्ली में सनी देओल के रोड शो में पहले आपस में भिड़े बीजेपी के 2 गुट, जमकर भी मारपीट। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर मनोज तिवारी ने की पदयात्रा, बीजेपी की जीत का किया दावा। दिल्ली में हेमा मालिनी ने मीनाक्षी लेखी के लिए मांगे वोट, सीट पर किया रोड शो। ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली ने निकाला प्रचार का अनोखा तरीका, बच्चों और बड़ों के साथ खेला क्रिकेट मैच। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को कामयाबी, शोपिया में आतंकी संगठन ISJK का कमांडर इश्तियाक अहमद सोफी उर्फ अब्दुल्ला भाई एनकाउंटर में गए। पंजाब के बरनाला में आंधी के चलते खेतों में लगी भीषण आग, लाखों की फसल का नुकसान। रांची में कमर्शियल टावर में लगी आग, सीढ़ी के जरिए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बंगाल के दमदम इलाके में रिहायशी बिल्डिंग में लगी आग, 3 मंजिलों को चपेट में लिया। यूपी के हरदोर में ट्रांसफार्मर में लगी आग, दहशत में आए आसपास के दुकानदार। खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत। सुबह 4:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खुले कपाट, कपाट खुलने से पहले गर्भगृह में माता लक्ष्मी को स्थापित किया गया। बद्री विशाल के जयकारों से गूंजा पूरा बद्रीनाथ धाम, कल केदारनाथ के खुले थे कपाट। कोझिकोड में रोडवेज की बस पर हाथी ने किया हमला, बाल बाल बचे यात्री।
टेरे की बिलंगना रेंज में 36 घंटे से जंगलों में लगी आग, लाखों की वन संपदा जलकर खाक। अलवर में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल, अस्पताल के अंदर महिला से बलात्कार। ग्रेटर नोएडा में युवती पर तेजाब से हमला, गंभीर हालत में दिल्ली रेफर, भाइयों पर आरोप। मुंबई में डिवाइडर से टकराया बेकाबू डंपर, बाद में ट्रक में मारी टक्कर, ड्राइवर घायल। सूडान में तस्करी का 241 किलो सोना बरामद, हेलीकॉप्टर से हुई बरामद। न्यूजर्सी में हादसे का शिकार हुआ ट्रक, रेलिंग तोड़ता हुआ हाईवे से नीचे गिरा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।